हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एटीज स्टडी। कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस देखो, अभी मैं आपके लिए आज की वीडियो में जो है टॉप 20 क्वेश्चन आपके लिए दिखा रहा हूँ मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के, ठीक है, जिसमें से आपको अप्रोक्स 10 जो है आपको कॉमन रीडर होंगे और 10 जो है फिल इन द ब्लैंक्स होंगे। और एक चीज़ ध्यान देना, इन 20 क्वेश्चन में आपको 20 रूल्स भी आपको याद करने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन इज इक्वल टू 20 रूल आप कह सकते हो, बिकॉज ये 2020 का जो खेल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए एग्जाम में, आपके शिफ्ट में। कम से कम मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ कि दो क्वेश्चन तो इन दोनों रूल से, मतलब इन 20 में से रूल में, जो 20 रूल बताऊंगा मैं आपको, इन 20 रूल में से दो क्वेश्चन इन रूल पे आधारित तो आपके शिफ्ट में आने ही आने हैं, ठीक है। इस गारंटी के साथ मैं आपको इसका दावा कर सकता हूँ, मतलब ये बात बोल सकता हूँ, ठीक है। तो चलो अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, और वीडियो को लाइक करना या मत करना, अपने उस फ्रेंड के साथ शेयर करना जो एयरफोर्स नेवी या फिर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा होगा, ठीक है। चलो गाइस अभी देख लो, अभी क्वेश्चन तो मेरे पास बहुत सारे हैं लेकिन 2020 करके दूंगा बिकॉज वीडियो लेंदी हो जाता है। अभी देखो गाइस, मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी, ठीक है। अब ये सेंटेंस पूरा पढ़ो वीडियो को रोक के, उसके बाद आप जरा इसमें इरर खोजना। मैं हिंदी बताता हूँ, बोल रहा है मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट, मतलब कि आम जो है एक बहुत ही क्या अनोखा फल है, इज अवेलेबल इन इंडिया, जो कि भारत में अवेलेबल है, मतलब उपलब्ध है, इन प्लेंटी, किस में, प्रचुर मात्रा, मतलब काम भर है, अधिकता है, उसकी कोई कमी नहीं है इंडिया में आम की, ठीक है। लेकिन आम एक क्या है, अनोखा फल है, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे आता हूँ, आप सोल्यूशन नहीं मिला आपको तो देखो सेंटेंस में हमें आम और इसमें इमली से कुछ मतलब नहीं है, हमें डायरेक्ट क्या इरर खोजना है ग्रामेटिकली, कहाँ पे है, क्या अनोखा है, क्या उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो यूनिक, यूनिक जो है ना गाइज, ये अपने आप में इसका मतलब ये होता है अनोखा, अद्वितीय, एक्सक्लूसिव, इसके अलावा, इसके जैसा कुछ भी ना हो, सबसे सुपर्ब, ठीक है, बात समझ में हो, यूनिक जगह आ गया किसी चीज़ के आगे तो समझना वो सुपर्ब है, उससे अच्छा आप कुछ नहीं है उसकी कैटेगरी में, ठीक है ना। तो एक चीज़ समझना यहाँ पे, हम किसी चीज़ का सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो द मोस्ट का यूज़ करते हैं ना, ठीक है। तो बताओ द मोस्ट का यूज़ तब करते हैं जब हमें सुपरलेटिव डिग्री बनाना होता है। जब कोई चीज़ ऑलरेडी सुपर्ब हो तो उसे हम सुपरलेटिव डिग्री क्यों बनाएंगे, मतलब नहीं समझ में आ गया। यूनिक जो है अपने आप में सुपर्ब है, इसको सुपरलेटिव डिग्री बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सो यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखना कि यूनिक से पहले हम कभी यूनिक को सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाते हैं। द मोस्ट का यूज, द मोर का यूज, ये सभी चीज़ें कभी मत करना भूल से भी यूनिक के पहले। तो यहाँ पे द मोस्ट का निरर्थक, मतलब फालतू का यूज किया गया है, जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। बात समझ में आ गया, रूल नंबर वन था ये, हमेशा अपने दिमाग में इस चीज़ को बैठा के रखना, ठीक है। चलो द मोस्ट का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में रूल नंबर टू पढ़ेंगे हम लोग। देखो क्या बोलते हैं रूल नंबर टू का, इस यहाँ पे आवर ज्योग्राफी टीचर टोल्ड टू स्टडी द मैप ऑफ इंडिया फॉर अ टेस्ट, मतलब हमारी ज्योग्राफी टीचर क्या बोले कि इंडिया का जो मैप है उसे अध्ययन करके आओ, टेस्ट होगी, ठीक है भाई। चलो सही है, पास्ट की चीज़ें हैं, ठीक है भाई, टीचर ने बोला था ना, अभी थोड़ी खड़ा होकर बोल रही है मेरे पास, टीचर ने बोला था कि अपने जो इंडिया का मैप है उसे अध्ययन करके ना टेस्ट होगा। तो चलो सही बात है, अब इसमें इरर खोजो, इरर नहीं मिला तो मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आता हूँ। ये हमारा है रूल नंबर टू, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अभी नरेशन में पढ़ते होगे आप लोग या फिर आपको कॉमन रीडर में भी याद है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है यहाँ पे, ये है टोल्ड, ठीक है। सो गाइस देखो, टोल्ड के बाद हमेशा एक क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट का यूज होना चाहिए। जैसे यू टोल्ड मी, ठीक है, यू टोल्ड मी, ना कि यू टोल्ड, नहीं, अगर टोल्ड के जगह पे सेड आ जाए तो सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना भी आए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है, अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल, ठीक है, ये मेरा खुद का रूल नहीं है, ये ग्रामर बोलता है कि टोल्ड के साथ एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। देखो पहले हमारा सब्जेक्ट है आवर, तो आवर के अकॉर्डिंग टोल्ड के साथ अस का यूज़ करो, आवर का ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो अस होता है ना, मैंने प्रोनाउन चैप्टर में ये सभी चीज़ें पढ़ा रखी है। तो यहाँ पर टोल्ड अस यूज़ करो, या फिर टोल्ड को ही हटा के सेड कर दो, सेड के साथ कोई जरूरी नहीं है, आपके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है कि आप ऑब्जेक्टिव इसका लाओ, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करो आगे या फिर ऑब्जेक्ट लाओ। तो आपके पास दो कंडीशन में से कोई एक फॉलो करना होगा, इधर तो आपका ऑप्शन नंबर एक में है, बात समझ में आ गया। तो इसे सुधारेंगे कैसे, कहाँ गलती है, ये भी हमें जानना होगा ना, या तो टोल्ड अस करो या फिर टोल्ड को उड़ा के सेड कर दो, बात समझ में आ गया ना। सो ऑलवेज रिमेंबर, टोल्ड के साथ एक ऑब्जेक्ट आना जरूरी है, और ऑब्जेक्ट कैसे आएगा, अकॉर्डिंग टू हमारे सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार, आवर है तो अस आएगा, ठीक है, सी रहेगा तो हर आएगा, ही रहेगा तो हिज रहेगा, हिम रहेगा, सॉरी हिज नहीं रहेगा, हिम रहेगा, ठीक है, ही का। चलो हमारा रूल नंबर दो आपको याद हो गया।
अभी रूल नंबर 3 याद करो अभी, ये क्या देखो, यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर, ठीक है। अब बोल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं उससे, ठीक है भाई, आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। अब तो जाहिर सी यहाँ पे जेंडर पता चल गया ना, ब्यूटीफुल है तो फीमेल से की बात की जा रही है, ठीक है, बिकॉज हैंडसम रहता तब ना मेल की बात की जाती, ठीक है। ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही नहीं है। अब कहाँ इरर है, देखो मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ा रखा था, देन, ये देन जो है ना, देन के बाद आने वाला जो होता है सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट जो होता है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं होता, ये हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। अब क्यों 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 मैं बताता हूँ, देखो मैं सब्जेक्ट की तुलना सिर्फ सब्जेक्ट से करा सकता हूँ, मैं ये बोलूँ आम की तुलना इमली से करा दूँ तो ये अच्छी चीज़ तो नहीं है, मैं आम की तुलना किसी अदर आम से कराऊँ उनकी कैटेगरी में, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि एक 8 क्लास के बच्चे की तुलना मैं कराऊंगा तो 8 क्लास के स्टूडेंट से कराऊंगा ना कि ये उससे पढ़ने में तेज़ है, या फिर मैं 8 क्लास के स्टूडेंट की जो तुलना है 10th क्लास के स्टूडेंट से करा दूं कि वो 10th के स्टूडेंट से कमज़ोर है, नहीं ना। हम कंपटीशन के तौर पे तुलना जब करते हैं तो सेम कैटेगरी वालों से करते हैं, मतलब बात समझो, मैंने ज़्यादा कुछ घुमा फिरा दिया। यू यू एक सब्जेक्ट है, ठीक है, आपको पता चल रहा है यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो हम आपकी तुलना कर रहे हैं तो उससे कर रहे हैं ना, तो सी के जगह हर के जगह पे सी होना चाहिए, बिकॉज सब्जेक्ट का तुलना जब देन का यूज़ करते हैं तुलना के लिए तो सब्जेक्ट का हमेशा सब्जेक्ट से करते हैं, बात समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे हर का यूज़ ना होके सी का यूज़ करेंगे, या फिर इतना ग्रामर का रूल नहीं याद होता है तो एक ट्रिक याद रखो, देन के साथ चुपके से हमेशा आप सब्जेक्टिव केस का यूज़ करना, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ मत करना, क्लियर। चलो ये हमारा रूल नंबर 3 था। रूल नंबर 4 क्या है गाइस, माय ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई, मतलब मेरा साला जो कि मुंबई में रहता है, हैव कम टू स्टे विथ अस, वो क्या कर रहा है, वो आ रहा है हमारे साथ रहने के लिए। कौन आ रहा है, माय ब्रदर्स इन लॉ, मेरा साला भाई, देखो आ रहा है ना वो, तो वो अकेले आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे देखो माय ब्रदर इन लॉ में माय ब्रदर्स इन लॉ नहीं है, ठीक है, मतलब ये सिंगुलर वर्ड है, जब ये सिंगुलर है तो वो आ रहा है, ठीक है, रहने के लिए, तो उसके लिए हम बताओ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे या फिर प्लूरल का यूज करेंगे, ये बताओ। तो ये क्या होगा, हैव नहीं बल्कि यहाँ पे हैज होना चाहिए, ठीक है, तो आ रहा है नहीं बोलेंगे हम, आ चुका है बोलेंगे, ठीक है, जो कि सॉरी मैंने बोला बार बार मैं रिपीट कर रहा कि आ रहा है रहने के लिए जो मुंबई में रहता, ठीक है, वो क्या, ये देखो आप सेंटेंस के अगर देखो, मैं सेंटेंस बताता हूँ, माय ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई, अभी देखो क्या बोल रहा है कि जो मुंबई में रहता है, ठीक है, हैव कम टू स्टे विथ अस, अब यहाँ पे आप अर्थ निकालोगे इसका, हैव को देख के कि वो आ चुका है, आप तो यही अर्थ निकालोगे ना, तो देखो अभी आ कैसे चुका है, वो तो आ रहा है ना, क्यों, बिकॉज हु लिव्स इन मुंबई, जो कि मुंबई में रहता है, ये भी प्रेजेंट में है, तो बात की यदि वो प्रेजेंट में रहता है अभी, तो अब हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आ रहा है अब या फिर आने वाला है, तो हैव को देख के इसका हिंदी ये मत निकाल देना कि वो आ चुका है, ठीक है ना, ऐसी बात मत करना, गलती मत करना। तो यहाँ पे हैव नहीं बल्कि हैज होना चाहिए, बिकॉज ये क्या, एक हैव जो हमारा प्लूरल वर्ब है और ये ब्रदर इन लॉ जो है हमारा सिंगुलर वर्ब है। तो रूल नंबर 4 याद हो गया आपको, हमेशा सिंगुलर हमें देखना होगा कि आगे वाला क्या सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो आने वाला जो है वर्ब भी होगा सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं होगा। अभी नेक्स्ट देखो रूल नंबर 5, हैव ट्रस्ट ऑन गॉड एंड एवरीथिंग विल बी राइट, ठीक है, मतलब भगवान में विश्वास रखो सब कुछ अच्छा होगा। मैंने क्या बोला, हिंदी क्या बोला, ध्यान से सुनना, भगवान में विश्वास रखो सब कुछ अच्छा होगा। अब कुछ गलत ही आप बोल दो कि भगवान पर विश्वास रखो, भगवान पर विश्वास नहीं रखते हैं, गॉड पर विश्वास नहीं रखते हैं, गॉड में विश्वास रखते हैं, किसी चीज़ में विश्वास रखते हैं, किसी चीज़ पर विश्वास नहीं रखते हैं, तो किसी चीज़ पर नहीं करते में करते हैं, तो ट्रस्ट ऑन नहीं, ट्रस्ट इन का यूज़ होता है। ऑलवेज रिमेंबर, ट्रस्ट के साथ हम इन का यूज़ करेंगे, कभी भी ऑन का यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारा रूल नंबर 5 हमेशा आपको याद रहेगा। अभी देखो 6 में क्या है, रूल नंबर 6, स्मोकिंग इज अनडाउटली वेरी इंजरियस फॉर हेल्थ। स्मोकिंग जो है, धूम्रपान जो है हमारा, मतलब वो हमारे लिए क्या है, इस पर बिल्कुल भी शक नहीं है हमें, ठीक है, हम बिल्कुल भी शक नहीं है कि हम ये बोल सकते हैं कि हमारे हेल्थ के लिए क्या है भाई, ये इंजूरियस है, मतलब हानिकारक है हमारे लिए, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ पे भी एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन का रोल है, ठीक है, मतलब इंजूरियस जो कि हमारे हानिकारक घातक है, तो इसके साथ 4 का यूज़ कभी मत करना, आज के बाद कभी मत करना, आप कर भी देते हो ना तो ये गलती करते हो, इंजूरियस 2 होता है, ऑलवेज रिमेंबर, इसको भी याद रखना, अपने जहन में उतार लो, इंजूरियस के साथ 4 का यूज़ कभी नहीं होता है, हमेशा 2 का यूज होता है, ठीक है ना। चलो अभी देखो रूल नंबर 7 देखेंगे हम, क्या है भाई रूल नंबर 7, ये देखो,
माई फ्रेंड अनु इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर इन द कंट्री. मेरी जो फ्रेंड अनु है वो क्या है, एक बहुत क्या बोल रहे हैं, इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर इन द कंट्री. अब इसका अर्थ कुछ लोग ये निकालेंगे कि मेरी फ्रेंड अनु जो है वो सबसे क्या है, बेस्ट प्लेयर है कंट्री में. तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो सबसे बेस्ट प्लेयर है. अब ये क्या बोल रहे हैं, इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर, मतलब कि वन ऑफ द आ गया ना, तो इसका मतलब ये समझा कि बहुतों में से एक के बारे में बात की जा रही है. जैसे कि इंडिया में जितने भी टेनिस प्लेयर है ना, मतलब बेस्ट टेनिस प्लेयर हैं, उसमें से ये भी एक बेस्ट है, मतलब बहुतों में से एक. वन ऑफ के बाद जो है, वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लुरल वर्ड का यूज होता है, प्लुरल नाउन का यूज होता है. तो बेस्ट टेनिस प्लेयर्स होगा यहाँ पे गाइज, बिकॉज बहुतों में से एक की बात की जा रही है ना, तो पहले बहुत तो बनाओ. टेनिस प्लेयर्स बहुत सारे, उसमें से एक हमारी फ्रेंड भी जो है कि क्या है, वो हमारे कंट्री में वो बेस्ट है. ठीक है, तो वन ऑफ के साथ आगे आने वाला वर्ब जो होता है वो क्या होता है, सॉरी नाउन जो होता है, टेनिस के साथ नाउन तो यही है ना, प्लेयर, तो प्लेयर ना होके प्लेयर्स होगा. ठीक है ना, इस चीज को ध्यान में रखना. क्या याद रखना होगा कि आपको वन ऑफ के बाद हमेशा प्लुरल नाउन का यूज होता है, प्रोनाउन. ठीक है, नाउन या फिर प्रोनाउन कुछ भी हो, प्लुरल यूज होता है. ये मैंने आपको प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाया था. ठीक है, चलो अभी 58 नंबर क्वेश्चन देखो. द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. ठीक है, अभी कहीं देखो, कैटल्स आर ग्रेजिंग, सही बात है, कैटल्स है मवेशी, कैटल्स है मतलब मवेशी, इसके लिए आर का यूज किया हमने, ये भी बढ़िया है. ग्रेजिंग भाई चर रही है, वो भी अच्छा है. फील्ड्स, आप बोलोगे नो इधर, तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी. नो इधर नहीं, देखो मैंने प्रोनाउन पढ़ाया था आपको, कैटल्स कोई वर्ड ही नहीं है, कैटल होता है, इसमें एस मत लगाओ, बिकॉज कैटल अपने आप में एक प्लूरल नाउन है. कैटल जो है अपने आप में एक प्लूरल है, तो उसे हम प्लूरल क्यों बनाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे एस कभी मत लगाना, आर का यूज होगा. ठीक है, बिकॉज कैटल तो प्लूरल नाउन है ही, तो इसके साथ बस एस का यूज मत करना. ये कैटल आर ग्रेजिंग होता है ना, कि कैटल्स होता है. ठीक है ना, चलो अभी हम नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 9. हमने 8 रूल पढ़ा यहाँ पे. ठीक है, अभी देखो. When I was passing through the forest, I happened to see a number of deers. इसका मतलब जब मैं पास कर रहा था, क्या कर रहा था, जा रहा था, गुजर रहा था जंगल से होकर, तो मैंने क्या देखा, a number of deers देखा. मतलब a number of deers का मतलब एक नंबर का डियर नहीं, बल्कि उस डियर्स की एक समूह को मैंने देखा. ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना, क्या ध्यान देना, डियर्स कभी नहीं होता है, डियर होता है. जैसे मैंने बोला कैटल्स नहीं होता है, कैटल होता है, उस तरह डियर्स नहीं, डियर होता है, मतलब सेम रूल है. ठीक है, अभी बस यहाँ पे वर्ड आप याद रखना, डियर और कैटल को कभी भी प्लूरल मत बना. तो यहाँ भी इरर है 3 नंबर में. ठीक है, अभी मैं वीडियो को लंबा ले जा रहा हूँ, बिकॉज आपको अच्छे से समझाना है मुझे. अब देखो लास्ट है हमारा, लास्ट नहीं है, बस कॉमन इरर का लास्ट है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे हम. यू कैन ओपन द बॉक्स बाय अ स्क्रू ड्राइवर, मतलब आप स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से क्या कर सकते हो, बॉक्स को ओपन कर सकते हो. तो देखो गाइस, कभी भी हम सजीव व्यक्ति से के हेल्प से कोई काम करें तो बाई का यूज करते हैं. कभी भी निर्जीव व्यक्ति मतलब नॉन लिविंग थिंग से अगर हेल्प लें तो वहाँ पे बाई नहीं, विथ का यूज करते हैं. तो स्क्रू ड्राइवर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे बाई नहीं बल्कि विथ का यूज होगा. अभी आपको सुपर 10 क्वेश्चन याद हो गया, मतलब रूल याद हो गया. ठीक है, अब फिल इन द ब्लैंक्स में देखो, अभी याद हो जाएगा. ये जो रूल बहुत बार आया है, डू नॉट लाफ डैश अदर्स मिस्टेक, दूसरों की गलतियों पर मत हंसो. 4 ऑप्शन है, एट, फोर, अगेंस्ट, अबाउट. देखो लाफ के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन एट आता है. ठीक है, तो लाफ के साथ चाहे वो कॉमन रीडर का क्वेश्चन हो, फिल इन द क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स हो, तो लाफ के साथ हमेशा जो है एट का यूज करना, अदर प्रीपोजिशन का यूज मत कर देना. ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट हमारा, ही कुड नॉट कोप डैश द हैवी वर्कलोड, वह नहीं कर सकता भारी काम, लोग भारी जो है वर्क काम कार्यों को नहीं कर सकता. तो कोप के साथ क्या यूज करेंगे, इन विथ, अप विथ, विथ, देखो कोप विथ. ठीक है, ये जो है ना फ्रेजल फ्रेज है, कोप विथ मतलब किसी भारी काम को हैंडल करना. ठीक है ना, कोप विथ का मतलब यही होता है. ठीक है, तो ये जो है फ्रेज है, ये ऑलरेडी फ्रेज है, तो इसमें आप क्या चेंज करोगे, तो कोप अप विथ मत करना. कुछ लोग कोप अप विथ करते हैं, तो नहीं, इसके साथ राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा. कोप विथ ऑलरेडी एक फ्रेज है. ठीक है, मतलब किसी चीज को हैंडल करना, याद रखना हमेशा. अभी देखो 63 में क्या हमारा, द गार्बेज हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ ऑफ विथ आउट. तो देखो गार्बेज हो समबडी या फिर समथिंग, किसी चीज या फिर किसी चीज को, किसी व्यक्ति को जब हम गार्बेज करते हैं ना, तो उसके साथ, सॉरी डिस्पोज करते हैं ना, तो उसके साथ हमेशा ओ एफ वाला ऑफ यूज होता है, ना कि ओ डबल एफ वाला. ठीक है,
तो ये हमेशा याद रखना कि ओ डबल एफ और ओ ऑफ में क्या डिफरेंट है। तो डिस्पोज ऑफ का यूज होता है ना कि डिस्पोज ऑफ का, ठीक है, तो जो सेकंड नंबर हमारा राइट हो जाएगा। ये सभी चीजें फिक्स प्रीपोजिशन है जो कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। सी डैश कॉलेज लेट दैट डे, अब बताओ वो क्या थी, लेट थी। अभी देखो सेंटेंस में जब भी आपको लेट आ गया ना, सॉरी लेट नहीं, डैट डे आ गया ना, या फिर लास्ट डे या फिर लास्ट आ गया, ध्यान देना डैट डे डैट ईयर, ठीक है, डैट के साथ कोई भी टाइम दिया, टाइम पीरियड रहेगा, डैट डे डैट मंथ डैट ईयर डैट वीक या फिर लास्ट वीक लास्ट डे, ये सभी चीज़ें रहेंगी ना, तो वो पास्ट में ही यूज़ होता है, ठीक है। अगर हैव हैज नहीं यूज है तो समझना कि वो पास्ट इंडिफिनिट में यूज़ करना, तो कहीं भी इसमें देखो ना हैव हैज के यूज़ नहीं है, तो ऑलरेडी आपको पास्ट इंडिफिनिट में यही है ना, रीच्ड, अभी तो वाज रीचिंग, ये तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, रीचिंग ये तो प्रेजेंट में आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, इज है तो ये आपका पैसिव में हो जाएगा, फाइनली पास्ट इंडिफिनिट हमारा रीच्ड होगा, ठीक है, इस रूल को हमेशा याद रखना। अभी 65 नंबर क्वेश्चन देखो, द सन डैश ब्राइटली, अभी देखो एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी होता है कि जो सूर्य होता है क्या वो चमकता है तेज, तो देखो सूर्य हमेशा तेज चमके, ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता है। आप ये बोल दोगे सूर्य चमकता है, लेकिन सूर्य जो ब्राइटली चमकता है ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, हो सकता है कभी क्लाउडी डे हो, बादल हो, क्या जरूरी है कि सूर्य बहुत तेज चमकेगा, नजर भी नहीं आएगा, तो ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है जो हमेशा हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखें। आप बोलोगे कि सर हम सन के साथ साइन का यूज करेंगे बिकॉज इसे हमें प्रेजेंट इंडिफिनिट में रखना है, तो देखो द सन क्या एक सिंगुलर वर्ड है और साइन क्या प्लुरल वर्ब है, तो साइन से रहता तब ना आप रखते यहाँ पे साइन को, तो साइन तो है नहीं तो आप इसे यूज नहीं कर सकते और साइनिंग नहीं कर सकते बिकॉज सब्जेक्ट प्लस वी फोर, हाउ कैन यू यूज, यू कांट यूज दिस, तो साइनिंग का यूज कर नहीं सकते आप। इज साइन, इज साइन क्या होता है यार, इज साइनिंग बोलते ना आप कि चमक रहा है, तो ऑलरेडी ये भी नहीं होगा, तो हमारे तीन ऑप्शन कट गया और ये हमारा सोन, ठीक है। अब ये समझो सोन क्या है, साइन का पास्ट फॉर्म है सोन, हम पास्ट के बारे में बात करते ना यार, उस टाइम तो सूर्य का रोशनी बहुत कड़ा था, बहुत तेज चमक रहा था, ठीक है, बात समझ में आ गया, तो साइन सोन ये पास्ट फॉर्म को शो करता है, ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि सन हमेशा ब्राइटली ही चमके, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे साइन होगा, साइन नहीं होगा बिकॉज देखो सन के साथ साइंस का यूज करता, अगर होता तो हम बोल सकते थे कि साइंस होगा बिकॉज साइन और साइंस में अंतर है, ठीक है, साइन जो है प्लुरल है और साइंस सिंगुलर है, और द सन क्या है सिंगुलर, तो सन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अभी 66 में देखो, लोकेश वाज बिजी वेन वी टू सी हिम, अभी आगे क्या है पास्ट फॉर्म है, ठीक है, पास्ट वर्ब है तो आगे भी पास्ट ही होगा, तो पहले देखो पास्ट कौन कौन सा है, गोज तो पास्ट नहीं है, गो भी पास्ट नहीं है, बचा हमारा गोन वेंट। अब बताओ सब्जेक्ट के साथ जब अगर हम पास्ट का वर्ब यूज करेंगे, हैव हैज नहीं आया है तो क्या होता है, वी टू यूज करते हैं, तो बताओ गो का वी टू क्या होता है, गो वेंट होता है, भीतरी क्या होता है गोन होता है, तो गोन कैसे यूज करेंगे, हैव या फिर हैड या फिर हैज तो है नहीं कुछ भी, तो यहाँ पे वेंट का यूज करेंगे, जाहिर सी बात है वी वेंट टू सी हिम, ठीक है। अभी नेक्स्ट देख लो क्या आएगा, अभी नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, द डेट ऑफ द फंक्शन नॉट बीन डिसाइडेड इट, मतलब जो है दो क्या बोल रहा है, द डेट ऑफ द फंक्शन मतलब वो फंक्शन का डेट जो अभी तक क्या डिसाइड नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे गाइस ध्यान दो, बीन है तो बीन किसके पहले आता है, हैज या फिर हैव के पहले आता है, ठीक है, वाज या इज के पहले नहीं आता है, ठीक है, या फिर है सॉरी वाज या फिर इज के बाद नहीं आता है, हैव या फिर हैज के बाद आता है, तो बचा हमारा हैव या फिर हैज के बाद यूज करेंगे, ठीक है, या फिर हैड भी होता है लेकिन ऑप्शन में हैड नहीं है, तो द डेट सिंगुलर है ना तो हम हैव का यूज तो कर नहीं सकते, द डेट ऑफ द फंक्शन हैज नॉट बीन डिसाइडेड इट, बहुत ईजी था ये रूल याद रखना आप लोग। अभी देखो 68 क्या बोल रहे हैं, इंडिया वाज ए प्रोस्पिरस कंट्री, मतलब प्रोस्पिरस मतलब धनी, द रेन ऑफ किंग अशोका, इसे रेन पढ़ना आप लोग, ठीक है ना, रीजन मत पढ़ना। अब ये क्या बोल रहा है कि इंडिया जो था बहुत प्रोस्पिरस कंट्री था, कब, ये किसके शासनकाल में, रीजन मतलब रेन मतलब क्या होता है, उसके शासनकाल में, अशोका के शासनकाल में, मतलब शासनकाल के टाइम पे क्या कहें, ड्यूरिंग करेंगे ना, बिटवीन तो करेंगे नहीं, वाइल करेंगे नहीं, फ्रॉम करेंगे नहीं। अब बोलोगे वाइल हम यूज करेंगे तो वाइल के साथ कुछ वर्ब भी तो आना चाहिए था ना, वाजवेयर, तो होगा नहीं ये, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ड्यूरिंग, मतलब इंडिया वाज ए प्रोस्पिरस कंट्री ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग अशोका, जब किंग अशोका के शासनकाल में इंडिया तो था क्या भाई, एक प्रोस्पिरस कंट्री था, धनी कंट्री था, ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरिंग का यूज होगा, उसके शासनकाल में, ड्यूरिंग का मतलब तो पता ही है आपको।
आप देखो 69 क्या बोल रहे हैं, लेमन्स आर सोल्ड डैश इन द मार्केट, ठीक है। अब सोल्ड के साथ प्रीपोजिशन पूछ रहा है, तो सोल्ड के साथ प्रीपोजिशन फिक्स्ड बाय यूज करना, सिंपल बहुत ईजी। आप फिक्स्ड प्रीपोजिशन याद करो, मैं आपको याद कराता हूँ, सोल्ड बाय, क्लियर ना। अभी ध्यान देना, अभी देखो लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, ये क्या बोल रहे हैं, वन मिनट, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, वो जरा इधर क्लिक हो गया था। द सुप्रीम कोर्ट हैज डैश टूरिज्म इन द कोर एरिया ऑफ द फॉरेस्ट, क्या बोल रहे हैं, द सुप्रीम कोर्ट हैज डैश टूरिज्म इन द कोर एरिया, कोर एरिया मतलब बीच में, जंगल के ऑफ दैट फॉरेस्ट मतलब जंगल के बीच में, सुप्रीम कोर्ट ने कर चुका है, क्या करेगा भैया, मना करेगा ना जाने से, प्रोहिबिटेड करेगा, रोकेगा, ठीक है। अब प्रोपेगेटेड मतलब होता है फैला होना, तो ये थोड़े बोलेगा कि आपको कि टूरिस्ट को कि जा भाई फैल जाओ जाके जंगल के बीच में, नहीं ना, वो जंगल के बीच में जाने से रोकेगा, बिकॉज खतरनाक एरिया हो सकता है, तो प्रोहिबिटेड का मतलब होता है रोकना, ठीक है ना। तो यही होगा सिंपल सा और सटीक वर्ड हमारा है प्रोहिबिटेड, रोकना। द सुप्रीम कोर्ट हैज प्रोहिबिटेड टूरिज्म, मतलब कि जंगल के बीच में जो है सुप्रीम कोर्ट ने टूरिज्म पे बैन लगा दिया है, प्रोहिबिटेड रोक दिया है, ठीक है ना। चलो ये था हमारा, अभी देखो आगे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास मॉक टेस्ट किए, मैं आपको कराते रहूँगा, बस आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहे, ठीक है, और मेरा भी सपोर्ट आपके लिए ऐसे ही बना रहेगा, मैं अपना टाइम निकाल निकाल के आपके लिए वीडियो देते रहूँगा। चलो गुड बाय, वीडियो पसंद है तो अब लाइक कर देना, गुड बाय।